चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सोनीपत से खबर है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पर एक्शन हुआ है। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर के घर पर पीला पंजा चला है। पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर के घर पर पीला पंजा चला है। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पर एक्शन हुआ है। बड़ी जानकारी सोनीपत से सामने आ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पर एक्शन की यह खबर है। सोनीपत से लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर के घर पर पीला पंजा चला है। पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। सोनीपत से राम सिंघार हमारे साथ फुल लाइन पर चुके हैं। समृता राम, क्या जानकारी है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हुए शार्प शूटर अक्षय पलड़ा के घर आज जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार के आदेश पर गैंगस्टरों की कमर तोड़ने को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो ऐसे में सोनीपत में भी गाँव पलड़ा में जिला प्रशासन द्वारा अवैध पंचायती जमीन पर जो कब्जा था अक्षय पलड़ा का, उसको आज उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर प्रशासन की टीम के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था और बीडीपीओ मोर्टल बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। और मौके पर जो पंचायती जमीन पर अक्षय पलड़ा का जो कब्जा था, अवैध कब्जा था, उसके घर को अब गिरा दिया गया है और पंचायती जमीन से कब्जा छुड़वा लिया गया है। लिहाजा एक बड़ी कार्रवाई जो है प्रदेश की सरकार के आदेश पर हो रही है। खासतौर पर जिस प्रकार से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से अलग अलग बदमाश लगातार जो अवैध जमीन पर जो है, जिस प्रकार जमीन पर अवैध कब्जे जो है वो थे, तो ऐसे में लगातार ये कार्रवाई पहले से चलती आ रही है और ऐसे में सोनीपत में भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शुक्रिया आपका राम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। समर्थक राम सिंघार को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि ये बड़ी कार्रवाई, चूंकि अवैध कब्जा था पंचायत की जमीन पर, इस कब्जे को हटा दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर ये बताया जा रहा है, जिसके घर पर ये एक्शन हुआ है।